शहर उत्तरी विधानसभा में महानगर अध्यक्ष श्रीमती मंजू यादव और उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष सुषमा यादव जी के नेतृत्व में प्रभारी आदरणीय श्रीमती श्यामल सरोज जी ने उत्तरी विधानसभा के कमेटी की समीक्षा बैठक की और नव नियुक्त पदाधिकारियों को पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रभारी जी को माला और डॉक्टर भीमराव जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ नेत्री आदरणीय सुमन शर्मा जी को भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुषमा यादव की शानदार कमेटी की सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। श्रीमती लक्ष्मी यादव उपाध्यक्ष, कमला यादव उपाध्यक्ष, गीता केसरवानी उपाध्यक्ष, वैशाली शर्मा उपाध्यक्ष, प्रतिभा शर्मा महामंत्री, कमला यादव सचिव, चंद्रावती सचिव, प्रियंका सचिव, सरिता सिंह, वंदना, रजनी शर्मा, जय सिंह यादव, अन्य सभी बहने भाई उपस्थित रहे। तो आपको जो है सबसे पहले धन्यवाद भैया, क्योंकि आप सभी लोग जो है हम लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से जो है चलकर यहाँ पर प्रयागराज के आपके जो है प्रभारी बनकर आई हूँ। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में जो है जगह जगह से हर ज़िले वाले स्तर पर चलकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम बहनें जो है एक मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बीच जो है हमारे जय महानगर की जो है जिला अध्यक्ष बहन मंजू यादव जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हमारी बहन सुषमा जी हैं, बहन हमारे बीच जो है सुमन शर्मा जी हैं, हमारे उधर जो है चाची जी हैं, लक्ष्मी जी, यहाँ पे तमाम बहनें हैं जो मैंने देखा कि इतनी एक्टिव हैं पार्टी के लिए जो है जुझारू हैं कि वो ज़मीनी स्तर से जो है चलने का काम कर रही हैं और निसंदेह इस वर्तमान सरकार को जो है 2024 में मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य हमारी बहनें ही करेंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बीजेपी सरकार सिवाय जो है छलावे के किसी को कुछ नहीं दिया है। आप इनसे जो है किसी मुद्दे पर जो है कोई भी बात करिए, आप ये अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, अगर हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, अगर हम बहन बेटियों के साथ हो रहे अपराध के बारे में बात करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज हमारे प्रयागराज में हमारी प्रभारी महिला प्रभारी बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही अच्छी, जो जिला पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं श्रीमती आदरणीय श्रीमती श्यामला सरोज जी आई हैं, उन्होंने उत्तरी विधानसभा की कमेटी की समीक्षा की है और सुषमा यादव जी उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारी सीनियर लीडर श्रीमती सुमन शर्मा जी हैं और हमारे उत्तरी विधानसभा की नव नियुक्त पदाधिकारी लक्ष्मी यादव जी हैं। सुषमा जी ने बहुत ही शानदार और बहुत ही जुझारू महिलाओं को जोड़कर एक कमेटी का गठन किया है। महिलाएँ इस सरकार से त्रस्त हो गई जिन्होंने हमारी प्रभारी जी की बात सुनते सुनते इनसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस सरकार को हटाने के लिए हम पूरा प्रयास, हमारा वोट सिर्फ समाजवादी सरकार को होगा। महिलाओं की ये जुझारूपनी जुनून को देखकर हम लोग का हौसला बढ़ा, हम लोग ने ये तय किया कि अब प्रभारी जी जब भी प्रयागराज में आती रहेंगी, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और हर विधानसभा में उनसे मुलाकात करेंगी और हम लोग भी सब महिलाओं को जोड़कर एक टीम बनाकर हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डीपू श्रीवास्तव जी ने भगवती चौपाल लगाया है, उस चौपाल के माध्यम से हम सब लोग महिलाएं इकट्ठा बैठकर अपनी समाजवादी की हुई नीतियों को